दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है ये टेंगो कंपनी का TG112 ब्लूटूथ हैंडसेट है, और इस ब्लूटूथ हैंडसेट में जो प्रॉब्लम है वो ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो ब्लू लाइट है, ये ब्लू लाइट ओनली ब्लिंक हो रही है, और ये जो ब्लूटूथ हैंडसेट है ये पूरी तरीके से हैंग हो चुका है। ना तो ये ऑफ़ हो रहा है और ना ही ये ऑन हो रहा है। और मैंने इसको यहाँ पर अपने फ़ोन पर इसका जो नाम है इसका नाम भी स्कैन करके देख लिया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर टेंगो कंपनी का कोई भी नाम यहाँ पर सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इस ब्लूटूथ हैंडसेट को हमें ओपन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये ना तो ऑफ हो रहा है। तो पहले मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और इसमें जो ब्लू लाइट है ओनली यही बस ब्लिंक हो रही है, और इसका जो नाम है वो हमारे मोबाइल के सर्च लिस्ट में भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों इसको मैंने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसमें जो सर्किट बोर्ड है वो लगा हुआ है। तो अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो ब्लू लाइट है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रही है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और ना तो ये फ़ोन से कनेक्ट है, जब भी इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक होती जा रही है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके जो वायर्स हैं सबसे पहले बैटरी के वायर्स को हम डिसोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर। तो पावर हमने डिसोल्ड कर दिया है, अब आप देख सकते हैं जो लाइट है वो यहाँ पर ब्लिंक नहीं हो रही है। और अब हमें जो पहला काम इसमें करना है वो ये है कि ये जो सर्किट बोर्ड है इसको काफ़ी अच्छे से क्लीन करना है हमें पेट्रोल से। चलिए पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ मैं। और इस सर्किट बोर्ड को थोड़ा सा सुखा लेते हैं यहाँ पर, बोर्ड है इसको सुखाने के लिए। फिलहाल अभी ये जो वीडियो है मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, तो इस समय धूप नहीं है, तो हम यहाँ पर जो सीरीज बल्ब है इस पर इसको दोस्तों यहाँ पर सुखा लेते हैं, ताकि इसका जितना भी जो पेट्रोल है वो सारा यहाँ पर सूख सके। तो चलिए मैं इसको थोड़ा हीट यहाँ पर दे देता हूँ, अच्छे से सुखा लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। के बाद इसका वायर सोल्डरिंग करके टेस्टिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर जो सर्किट बोर्ड है इसको मैंने अच्छे से सुखा दिया है। चलिए अब इसका जो वायर है वो डबल से हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, जैसा हमने निकाला हुआ था ये आप देख सकते हैं। बैटरी का जो माइनस वाला वायर था ये मैंने डिसोल्ड किया था, वापस इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ मैं। तो ये मैंने सोल्डरिंग कर लिया है, और अब दोस्तों सबसे पहले इसकी ये जो चार्जिंग है चार्जिंग हम लगा के देखेंगे। तो यहाँ पर मैं जो चार्जर है इसमें पिन लगा लेता हूँ, पहले हम चार्जिंग टेस्ट करेंगे, इसके बाद इस ब्लूटूथ का साउंड टेस्ट करेंगे। देख सकते हैं आप जो चार्जिंग है वो वर्क कर रही है, निकाल देता हूँ मैं पहले से। अब इसको ऑन करके देखते हैं ऑन होता है या नहीं। अब जो ब्लू लाइट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लिंक करना बिल्कुल बंद कर दिया है, ऑन कर लेता हूँ मैं पहले। ये आप देख सकते हैं जो लाइट कनेक्टिंग वाली जो लाइट है रेड और ब्लू, अब वो यहाँ पर दोनों ब्लिंक हो रही हैं। और अब मैं अपने फ़ोन पर इसका नाम सर्च करके देखता हूँ आता है या नहीं। तो पहले पूरा सर्च करके देखेंगे हम, ये आप देख सकते हैं दोस्तों अब जो नीचे जो ब्लूटूथ है इसका नाम आने लगा है TG112। जो कनेक्ट करके देखते हैं होता है या नहीं, तो हाँ बिल्कुल कनेक्ट होने लगा है। और थोड़ा सा साउंड प्ले करता हूँ मैं, तो साउंड भी जो है वो वर्क कर रहा है। पहले इसकी पूरी फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद साउंड के टेस्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए।
और ये यहाँ पर हो गई दोस्तों इसकी फिटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहले एक बार फिर से मैं चार्जिंग कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो वर्क कर रहा है काफ़ी अच्छे से। और दोस्तों अब इसके बाद जो साउंड टेस्टिंग है वो हम कर लेते हैं। पहले मैं इसका पावर ऑन करता हूँ फिर से। आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइट है वो यहाँ पर ग्लो हो गई है और अब ये कनेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने कर लिया था इसको कनेक्ट फिटिंग करने से पहले। ये आप देख सकते हैं कनेक्ट यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर जो माइक है वो हम निकाल देते हैं पहले। और अब चलिए यहाँ पर मैं साउंड प्ले कर लेता हूँ पहले। दोस्तों देखा आपने कुछ इस टाइप से हमने ये जो ब्लूटूथ हेडफोन की हैंगिंग प्रॉब्लम थी ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी है। दोस्तों यहाँ पर ये जो लोकल टाइप के जो ब्लूटूथ हेडफोन होते हैं उनमें इस टाइप की प्रॉब्लम आना आम बात है, तो कुछ इस टाइप से क्लीन करके हमने इसको रिपेयर कर दिया है। यदि आपके भी ब्लूटूथ में कभी इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो सिंपली इसका जो सर्किट बोर्ड है उसे आप ओपन करके और इसको क्लीन कर लें तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।